हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पितृपक्ष 2024 की डेट क्या है, किस दिन से ये शुरू हो रहे हैं और किस दिन इनका समापन हो रहा है, कौन सा श्राद्ध किस तिथि में पड़ेगा और कौन सी तिथि की क्या डेट है। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जो कि अपने पुरखों के लिए मनाया जाता है, अपने पूर्वजों के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, जब पूर्वजों का आशीर्वाद व्यक्ति पर रहता है तो उसके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं, और अगर पितृ ही नाराज हैं तो व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए, क्योंकि पितरों का स्थान बहुत ही ऊंचा माना गया है, पितृलोक को बहुत ही ऊंचा माना गया है और माता पिता को भगवान से भी ऊपर माना गया है, इसलिए व्यक्ति को भगवान की कृपा पाने से पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना पड़ता है और उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पितृदोष है या उसके पितृ उससे नाराज हैं तो यह उसके पास एक सुनहरा मौका होता है पितृपक्ष का, जिसमें वह अपने पितरों को मनाकर अपने ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता है और अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्ण कर सकता है। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष किस तिथि से शुरू होंगे अपने इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, पितृपक्ष 2024 की डेट क्या है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होता है। इस साल 17 सितंबर 2024 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल की ये 16 दिन पूर्वजों की पूजा, आत्म शांति और आशीर्वाद पाने के लिए बेहद खास होते हैं। इन्हें श्राद्ध कहा जाता है या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध अवधि के दौरान हम सभी के पूर्वज धरती पर आते हैं, ऐसे में पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, पितृपक्ष के समय कई नियमों का पालन भी किया जाता है, जिसमें पूर्वजों की कृपा परिवार पर बनी रहती है। आमतौर पर लोग श्राद्ध के दौरान पूजा पाठ से जुड़े कार्यों पर अधिक जोर देते हैं, इससे पितरों का आशीर्वाद और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान पितरों का तर्पण करने से पितृ ऋण चुकाने में मदद मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की तिथि कब कब है। ऐसा जान लेने से हम एक निश्चित तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि कब है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर 2024 को प्रातः 11:44 से शुरू हो रही है। इसका समापन 18 सितंबर 2024 को प्रातः 8:04 पर होगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष 2024 की तिथियां क्या है। 17 सितंबर को मंगलवार के दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, 18 को प्रतिपदा यानी कि पड़वा का श्राद्ध होगा, 19 सितंबर को द्वितीया का, 20 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध होगा, 21 सितंबर को शनिवार के दिन चतुर्थी श्राद्ध होगा जिसे महाभरणी भी कहते हैं, 22 सितंबर को रविवार पंचमी श्राद्ध होगा, 23 सितंबर को षष्ठी श्राद्ध होगा यानी कि षष्ठी और सप्तमी दोनों श्राद्ध 23 सितंबर को होंगे, 24 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी का श्राद्ध होगा, 25 सितंबर बुधवार को नवमी श्राद्ध और मातृनवमी जिसे बोलते हैं वह श्राद्ध भी होगा, दसवीं तिथि जो है वो 26 तारीख को मनाई जाएगी, 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध होगा, 29 सितंबर को रविवार के दिन द्वादशी श्राद्ध और मघा श्राद्ध होगा, 30 सितंबर सोमवार के दिन त्रयोदशी श्राद्ध, 1 अक्टूबर मंगलवार के दिन चतुर्थी श्राद्ध होगा और 2 अक्टूबर बुधवार के दिन अमावस्या श्राद्ध, सर्वप्रत्यक्ष अमावस्या यानी कि जिन लोगों को यह नहीं मालूम कि उनके पितरों की तिथि क्या है उनका श्राद्ध भी अमावस्या के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन ही होगा। तो दोस्तों, ये हैं वे तिथियां, आज आप इन्हें जान लें और उसी हिसाब से आप अपने पितरों का तर्पण करें, उन्हें पिंडदान करें, उनकी स्तुति करें जिससे वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएं और आपके घर परिवार पर उनके आशीर्वाद की कृपा से हमेशा खुशलता बनी रहे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें वीडियो कर में कमेंट करके बताएं, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।